सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, एक डायनासोर ने हमारा घर उजाड़ दिया था। बट कोई टेंशन नहीं, बात नहीं, मैं हूँ ना। सो गाइस, ये मैंने कुकिंग पॉट बनाया था, जो कि मुझे इंटरनेट से पता चला था कि एक क्या बनती है, हाँ, एक पोशन, शायद पोशन कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, वो बनता है जिससे हमारा लेवल अप हो जाता है। जैसे कि ये है हमारे पास, ये क्या है, ये जो भी है, तो ऐसा कुछ बनता है जिससे हमारा लेवल अप, मतलब लेवल सारा लेवल नहीं डाउन होता है, इंग्राम पॉइंट्स खत्म हो जाते, शायद कुछ ऐसा ही होता है, मुझे नहीं पता। बट फिर पता चला उसके लिए तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए और मतलब काम ख़राब हो गया मेरा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे पास अभी देख सकते हो ऊपर कि 115 मेरे पास वो है इंग्राम पॉइंट्स, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपने पास। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करने वाले हैं, जितनी चीज़ें अनलॉक हो सकती हैं हम उतनी चीज़ें अनलॉक करेंगे। तो देखते हैं हम आज क्या क्या हो रही है। ऊपर कुछ आ रहा है, हैच लाइट्स, पता नहीं, इसको छोड़ो। तो पहले तो गाइस मैं सोच रहा हूँ ये बो जो है, इस बो को अनलॉक कर लेता हूँ, ये बो और स्टोन एरो ये अनलॉक कर लेता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हमारी हंटिंग में काम आने वाले हैं। जैसे पिछली बार आपने एपिसोड में देखा हमें कैसे ट्राइसेराटॉप ने मतलब दो ही डाला था, बाल बाल बचे थे हम। तो अगर ऐसा हमारे पास कुछ हथियार हो तो वो काफ़ी काम आएगा। हमारे पास गुलेल तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको ही अनलॉक कर लेते हैं हम पहले तो। ओके ओके, सो दोनों अनलॉक हो चुकी हैं। अच्छा, 13 इंग्राम पॉइंट्स लगे मेरे, तो दोनों अनलॉक होगी, बहुत अच्छी बात। और ये भी शायद कुछ बनाने में काम आता है, पॉइजनस एरो बनाने में, शायद, पक्का नहीं पता मुझे, शायद ऐसे ही काम आता है। ये कुकिंग पॉट अनलॉक किया था, इसको तो बेकार ही निकला। स्पाई ग्लास अनलॉक कर लिया हमने, और पता नहीं क्या क्या अनलॉक कर सकते हैं यहाँ पे, ये कर लेते हैं, सिरंज वगैरह शायद काम आ जाए अपने। और एक सैडल भी अनलॉक करनी है मुझे, मैं कहता हूँ पैरासोर सैडल अनलॉक करूँ, क्योंकि पैरासोर अच्छे होते हैं, मतलब भागने में अच्छे होते हैं। तो और ये घर की चीज़ें हैं अभी, ये तो हम अनलॉक नहीं करने वाले। तो पहले तो इसको फटाफट से बना कर देते हैं क्या क्या सामान चाहिए। तो ये रहा अपनी बो, तो अपनी क्राफ्ट हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। स्टोन की बो, स्टोन की बो नहीं है, मतलब बो बन चुकी है। और स्टोन एरो में, स्टोन एरो भी हैच वगैरह, स्प्लिंट चाहिए बस हमें, एक स्प्लिंट चाहिए, हमें एक नहीं मतलब काफ़ी सारे चाहिए, हमें काफ़ी सारे एरोस बनानी है। तो ये देख सकते हो ट्राइसेराटॉप जिसने हमारा घर उजाड़ दिया था, इससे तो पंखा मत ही लेते हैं भाई साहब, तो अपना काम करते हैं फटाफट से। सो गाइस, बहुत सारे बोस और एरो हमने बना चुके हैं, ये पहले गुलेल हटाते हैं अपने, इसके ऊपर हम बो लगा देंगे। और अपनी बो कहाँ है, ये 11 एरोस है इसमें, और इसको कहाँ पर टेस्ट करें पहले तो गाइस मैं टेस्ट करता हूँ कि ये हमारे पास वापस आती है कि नहीं, मतलब अगर ये कहीं नीचे गिर जाए तो हमें मिलेगी। तो यहाँ पे शूट करी हमने, और हाँ हाँ मिल गई, मिल गई भाई, मिल सकती है हमें, ये ज़रूर मिलेगी हमें तो वापस। सो यहाँ पे ट्राई सेराटॉप है, इसको मारना नहीं चाहता मैं, क्योंकि भाई ये बहुत ख़तरनाक है। फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा ईजी हो जाए बो चलाना। आगे थोड़े से एनिमल ढूंढते हैं और देखते हैं मार के इनको कैसा लगता है। सो गाइस, यहाँ पे डोडो और मॉस चॉप घूम रहे हैं, लेकिन हम डोडो को नहीं मारेंगे, लेकिन इसको जरूर मारेंगे हम लोग। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सो गाइस, इसकी हेल्थ कितनी है अभी चेक करते हैं, 675 है। तो पहला हिट मारते हैं इसको हम लोग, और ये रहा। तो अभी तो ये भागने लगा, और एरो नीचे नहीं गिरा, एरो शायद उसके ऊपर ही लगा है। तो इसकी हेल्थ 622 हो चुकी थी, 623 अभी हुई है, बढ़ रही है इसकी हेल्थ। लेकिन हाँ, कितना डैमेज हुआ, ऑलमोस्ट 50 का डैमेज लगा लो, हाँ 50 लगा लेते हैं, 50 का डैमेज हुआ इसको तो। पर इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा यार गाइस इसको मारने में, तो मेरे एरोज भी मेरे पास 11 ही हैं, और इसको काफ़ी टाइम लग रहा है मारने के लिए। तो इससे अच्छा है मैं अपनी स्प्रेयर निकालूँ, इसको मार दूँ फटाफट से, इसको मारते मारते भाई साहब मेरी स्प्रेयर भी टूट गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये देखो एक्स भी तोड़ दी मैंने, इसको मारते मारते मतलब एक्स की पहले से हेल्थ कम थी, लेकिन स्पेयर तो भाई पूरी पूरी हेल्थ में था, फिर भी मर गया। कहाँ गया भे मेरा, काफ़ी सारी हेड मिल रही है इसके पास से, बहुत अच्छी बात है। ओके सो ख़त्म हो गया, और इससे एरो तो मुझे लग नहीं रहा हमारे एरो वापस मिले हमें, ये एरो क्यों नहीं मिले, शायद पानी में चला गया है इसलिए। और गाइस, इसकी पेट्राडॉन की सैडल नहीं है अनलॉक हुई है हमारे पास, मैं चाहता था उड़ने वाला पक्षी रखूं और पेट्राडॉन की सैडल लगा कर उड़ूँ इस पर, लेकिन हाँ इसकी सैडल है नहीं, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। ट्राइब की सैडल है, लेकिन ये रैप्टर की सैडल है, रैप्टर भी अच्छे होते लेकिन रैप्टर खतरनाक है।
इसकी सैडल नहीं है गनलॉक हमारे पास। सो गाइस मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं लाइन वाइज सभी को खोल रहा हूँ, मतलब जितनी भी लाइन वाइज चीज़ें हैं उन सभी को खोल रहा हूँ, क्योंकि अब भाई मेरे चॉइस बहुत ही गंदी है, मुझे नहीं पता क्या चूज़ करना है, इसलिए मैं लाइन वाइज सभी खोल रहा हूँ। और एक पैरासोर सैडल एक ही अनलॉक करते हैं, ये दूसरी सैडल्स मुझे चाहिए नहीं अभी, क्योंकि वो स्लो है, फिर नॉमिना पता नहीं क्या होना, वो तो कभी मिला ही नहीं। और थोड़ी सी अनलॉक और कर देते हैं, क्या अनलॉक करें, ट्राई की सैडल, नहीं ट्राई की सैडल नहीं चाहिए अपने पास। और ये रैप्टर की सैडल अनलॉक कर लेते हैं, शायद रैप्टर मर ही जाए, अभी बो है हमारे पास और ये तो नहीं आएगा शायद काम। और क्या करें, ये अनलॉक कर दें क्या, ये अनलॉक कर देते हैं, चलो ये प्रोटेक्शन के लिए काम आएगा हमारे घर के आसपास। तो बस हमने आज के लिए बहुत सारा काम कर लिया है। सो गाइस आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है आपको। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ सोने और आप भी जाओ सोने।